वेलकम बैक टू अवर चैनल तपस्या रिफ्लेक्शन ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं और आई होप कि आप लोग तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना व्लॉग और इस चैनल में मैं जाने वाली हूँ मिनी व्लॉग पोस्ट करने। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मेरी मम्मी पापा गए हुए हैं पटना और मुझे अकेला रहना है। और कुछ दिन बाद मैं भी जाऊंगी पटना, उसका भी वीडियो आएगा। और अभी 7:30 बज रहे हैं तो मैं अभी चाय बना रही हूँ और मेरे पापा अभी आते ही होंगे। मेरी जो फंक्शन है, मेरी नानी की जो मतलब फंक्शन होने वाली है वो हो गई है। मेरे पापा और मम्मी अटेंड करके आ रहे हैं लेकिन मेरे पापा आएंगे मुझे लेने। तो वही पापा का इंतज़ार हो रहा है, चाय बनाया जा रहा है, मेरे पापा जल्दी ही आ जाएंगे। तो अभी चाय का प्रोसेसिंग स्टार्ट है। चाय स्टोर हो गया है, अब हम लोग को जितना पीना है चाय अब इसमें से हम लोग निकाल के पीने वाले। मैं तो बोलने ही भूल गई, सृष्टि मेरे संग आज सोई थी क्योंकि हम लोग कल रात में बहुत मज़ा किए, चिल किए एकदम। हम लोगों ने बहुत एक मूवी देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा पार्टी वार्टी किया, थोड़ा मतलब हम लोगों ने बातें की, गॉसिप्स की जो बहन लोगों में होती है। रुक जाइए सृष्टि, ओए सृष्टि देखते। पानी पी ले, अले गर्म पानी पी ले। ओए पूरा नशा में एकदम सो के है, पी लेना गर्म पानी रेडी किया है। अब बावड़ा हो गया पूरा और कुछ नहीं करते हैं। ये रात भर जागी है, हम लोग इतना बातें किए, इतना बातें किए, हम 2 बजे तक आखिरी मतलब हम लोग बात किए, फिर उसके बाद हम लोग सो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ उसमें से भी इसका मुंह नहीं बंद हो रहा है, इतना अजीब है ये। उसमें से उसका मुँह बंद नहीं हो रहा, वो बोल रही है बहन तुझे नींद आ रहा है। हम मैंने बोला हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बोले ठीक है सो जा। उसमें से भी मैं 7:30 बजे तक उड़ी गई और ये देखते हैं इसका नशा कब टूटता है। जा अरे भाई आज से व्लॉगिंग स्टार्ट किए भाई, आना पानी पीना, रेडी किए है पानी, हम तो पी रहे। पूजा का कोई टेंशन नहीं है, वो मेरी आंटी आएगी और कर देगी और फिर उसके बाद देखते हैं खाना क्या बनाऊंगी। बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको मैंने कपड़े तो धो ही दिए थे तो अभी जाना है, कपड़े को फोल्ड करना है और अपने अपने जगह में रखना है। Oh, oh, oh.
बाप रे बाप, इतना जोर से कौन चीखा? ये पक्का पूरा डराएगा। देखो हमको यार, हमको अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पापा पापा हावड़ा पहुंच गए हैं। देखते हैं पापा कितने बजे तक आते हैं। तो करेंगे पापा का इंतजार। गई हो तुम? ये है मेरी घर की छोटी बहन, मेरा गुल्ला। स्कूल नहीं गया? छुट्टी है ना भाई, सैटरडे। वाह सैटरडे ना, मेरा खुद का एग्जाम खत्म हो गया, तुम सबका छुट्टी। सो हाँ, हम लोग एग्जाम शुरू होगा अभी, खेला हो गया। हेलो दी, आ जाओ। आई बोल खाना में आज खिचड़ी खाएगा। सैटरडे भी आज देख खाए हम लोग चना का दाल, आलू दम, खीर, इसका मम्मी बनाया था। फिर रात में ही मेरा संग सोया, हम लोग 2 बजे तक सोए। हम लोग मज़ा किए। नींद नहीं आ रहा था, कोई जागने वाला बात ही नहीं। हाँ मतलब हम लोग बुदिया मेरा गांव से भेजा है। गाँव में डर लग रहा है, इसको डर लग रहा है। क्या कर रही हो? नाश्ता तो बनाना नहीं है, पाव रोटी लेना, ब्रेड खाना। फिर रखना, ऐसे खा लेना है के। खा ले। मार दीजिए एकदम। और क्या करना है, इसको सेकना है भाई, हमको सबको सेकना जाएगा। इसको इतना भी नहीं पता है कि मक्खन लगाया जाता है। इसको सेकना बोला, अरे गवारी है सेकना। इसको बीच से काट, इसमें मक्खन लगा, उसके बाद हल्का हल्का करके सेक दे, तो जल जाएगा, हल्का सेकेगा। अच्छा ऐसा है। हाँ रुख, हम काट दे रहे बीच से। सृष्टि दास द शेफ, मास्टर शेफ। सेक भी हमने तो उसे मक्खन लगा दे। देख ऐसे काटा जाता है। अच्छा ओ भाई, हमको तो पता ही नहीं था, तभी तो नहीं काटा था। हाँ मेन ना, मेरा मम्मी पाव भाजी बनाते हैं ना सिस्टी, तभी हम खाते हैं बस। ऐसे में हम खाते, हम छूते भी नहीं बन को। हाथ में ऐसे काटते हैं, सीधा सीधी रख के काटो ना। एक वो वैसे नहीं हो रहा उसका, नहीं आंटी वो कर लेगी। आंटी जाइए, नहीं आंटी जाइए ना, वहाँ रखो, इसके ऊपर में रखो, रख के बस छुरी चलाओ। वो दोनों मतलब एक ही थोड़ी नहीं, जल्दी हो जाएगा ना, बच्चा थोड़ी ना। आंटी वो छोड़ दीजिए, वो काट लेगा, उससे होता नहीं है मेरा। बच्चा तो हाथ थोड़ी ना कटेगा। पापा ने चालू किया, इतना भारी आवाज, पूरा हाथ ही हो गया मेरा। दो मिनट तेल लगा भाई, हम नहीं लगाएगा। रुक हम लगा दे, मक्खन लगा दे बात से ही, मक्खन लगा दे आदमी ऐसे ही फ्लट हो जाएगा। कर तो सकते हैं, लेकिन मेरे पास पढ़ाई लिखाई के अलावा और ये सब फालतू काम करने वाली टाइम। एग्जाम आ रहा, होली बाद 28 तारीख से एग्जाम है मेरा। जा तेरा, अभी तो हम चिल मार रहे हैं, परसों दिन हम नहीं। ब्रेड विद
हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और पापा आ गए हैं। अब पापा ही खाना बनाएंगे, हम लोग को कोई टेंशन नहीं, एकदम आराम से। आराम 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 है काहे, अच्छा खासा जी रहे थे जिंदगी, कोई है नहीं। हाँ ये तो बात है, थोड़ा अच्छा खासा जिंदगी हम लोग जी रहे थे, थोड़ा हाँ वो भी चल गया। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पापा बनाए हैं दाल, और वही वाला जो हम आपको कल फोटो दिखा रहे थे ना बुदिया का, वो वाला दाल पापा आज बनाया। देखिए दो दिन जो दाल खा के मेरा गिया हुआ है। तुम ऐसा दाल नहीं कभी खाई हो। लेकिन वो वाला ढंग का बना है, कल बोले थे ना वो अच्छा बनाता है, मूंग दाल ठीक बनाता है। 20 हो गए हैं, सो के थी मैं। अब हम लोग ना थोड़ा बाहर जाएंगे, पापा बोले कि चल थोड़ा कहीं घूम के आते हैं, तो अंकल के साथ जाएंगे। देखो ये भी है, ये भी है। जहाँ आई वहाँ हम। देखते भाई कहाँ जाते हैं।